नमस्कार दोस्तों, हमारे एम्प्लॉयमेंट गुरु चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में, जो कि इसका रिक्रूटमेंट 2020 के लिए है। इसमें आपको रिलेशनशिप मैनेजर, एजेंसी से रिक्रूटमेंट एंड डेवलपमेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, की बिजनेस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, टेरिटरी मैनेजर और कुछ हायर लेवल पोजीशन भी जो है अवेलेबल है। इसमें चाहे तो आप जॉब अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको जॉब नहीं मिलने से आप परेशान हो, या आपको बहुत सारे कंपनी में यदि आप जॉब ट्राई कर चुके हो, तो एक बार जो है दोस्तों आप रिलायंस में ट्राई करके देखिए। आपको आई होप इसमें आप सेलेक्ट हो जाते हो, क्योंकि इस यहाँ पे इतना जो है इंटरव्यू प्रोसेस उतना हार्ड भी नहीं होता है और काम मिल जाएगा। लेकिन आपको टैलेंट होना चाहिए इंटरव्यू सेलेक्ट होने के लिए। थोड़ा बहुत टैलेंट है तो बिल्कुल यहाँ पर मिल जाएगा। तो मैं यदि आपको कुछ परेशान हो रहे कंपनी में जॉब इंटरव्यू दे दे के फेल हो चुके हो, तो रिलायंस में एक बार ट्राई आप जरूर कर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को आप प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में क्लिक कर दीजिए, ताकि जो भी मैं जॉब इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आऊँगा तो सबसे पहले आप तक जो है पहुँच। दोस्तों, अभी बात करते हैं कि इसका जॉब लोकेशन कहाँ कहाँ पे है। तो बहुत सारे लोगों का जॉब लोकेशंस जो है सर्च करने में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल इस रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए जॉब लोकेशन है वेस्ट बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, भोपाल, चंडीगढ़, यूटी, यूनियन टेरिटरी जैसे कि देहरादून, श्रीनगर, लद्दाख, ठीक है। तो इस एरिया पे भी जो है इसका जॉब अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों कुछ पोस्ट ऐसे भी है जो कि पैन इंडिया में उसका जॉब लोकेशन है। तो इसी के अंदर यदि आपका लोकेशन नहीं दिख रहा है तो पैन इंडिया आप सेलेक्ट करने पर आपको वहाँ पे जो है मिल जाएगा। कैसे करेंगे उसके बारे में भी आपको ज़रूर बताएंगे। जॉब अप्लाई कैसे करेंगे और बाकी का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल क्या है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आपको लोकेशन वाइज जॉब सर्च कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे जैसे आप आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगा। जैसे आप प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपके सामने देखिए यहाँ पे आपको लोकेशन वाइज जो है आपको ओपन हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जॉब इन हरियाणा, पंजाब, जॉब इन कर्नाटका, जॉब इन राजस्थान, जॉब इन अरुणाचल प्रदेश, जॉब इन मणिपुर। तो ऐसे ही दोस्तों जितने भी हमारे मेजर सिटीज है, स्टेट है, सभी के बारे में मैंने अलग अलग कैटेगरी बना के रखा है यहाँ पे, ठीक है, ताकि आप जो भी लोकेशन से आप जॉब देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो वीडियो है, यदि आपको सुटेबल नहीं लगता है तो आपके मीन्स आपके लोकेशन पे नहीं है, तो आप अपना लोकेशन यहाँ पे आके सेलेक्ट करके इसी में जो भी जॉब है आप देख सकते हो। फिलहाल मैंने मेरे पास जो है बहुत सारे हैं, करीब करीब 200 400 से 400 के करीब जो है वीडियोस है। मैं धीरे धीरे सभी में ऐड करते रहूँगा, ठीक है, आप देखते रहिए, या नहीं तो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको जो है बैंक वाइज आपको जॉब भी है, कंपनी वाइज जॉब भी है, यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है। अभी बात करते हैं दोस्तों इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो जो लिंक है दोस्तों, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए यहाँ पे कुछ मैसेज इन्होंने लिखा है, और ये मैसेज यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। नहीं तो थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे करेंट ओपनिंग्स, यहाँ पे आपको ज्वाइन क्यों करना है, ज्वाइन करने पर बेनिफिट्स जो है क्या क्या मिलेगा, ठीक है। अब रिलायंस निपुरा लाइफ इंश्योरेंस में काम करने पर आपको बाकी इंप्लॉयज़ का लाइफ कैसे है, सभी कुछ यहाँ पे बताया गया है। आप चाहे तो ये क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों जॉब अप्लाई कैसे करेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले रेज्यूमे बना के आपके मोबाइल फ़ोन पे या कंप्यूटर में सेव करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सबसे पहले आपको रोल दिखाई दे रहा है, कौन सा रोल आपके लिए सुटेबल है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइटल आ चुका है और यहाँ पे सिलेक्ट आ चुका है। तो यहाँ पे जो भी आप जॉब रोल आपको चाहिए वो जॉब रोल जो है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन पे देखिए, लोकेशन जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोकेशन है, कौन सा लोकेशन चाहिए आप। यदि गुजरात से हैं तो गुजरात में भी अलग अलग जो है अलग अलग सिटीज़ से जो है लोकेशन पे यहाँ पे अवेलेबल है। राजस्थान में भी अलग अलग जो है लोकेशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप अपना लोकेशन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फंक्शंस, फंक्शन में आने के बाद नीचे टाइटल दिख रहा है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ पे कौन से फंक्शन में आप काम करना चाहेंगे। इन्वेस्टमेंट, उसके बाद यदि आप डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, उसके बाद ब्रांड ऑपरेशंस, ब्रांच ऑपरेशंस, फाइनेंस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, किस में आप काम करना चाहेंगे ये आप सेलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने पर शो नहीं करेगा, लेकिन आप कुछ 2 4 5 सेकंड तक वेट कीजिए, ऑटोमेटिक जो है ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे
जैसे टाइटल के नीचे, तो यहाँ पे पूरे एक्सपेंस मेंशन है। देखिए 5 to 10, 2 to 6, 1 to 5 ईयर्स, यहाँ पे आप जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये एज पर जो है उनका एक्सपीरियंस के हिसाब से दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो 1 to 5 ईयर्स यहाँ पे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपके मुताबिक सिलेक्ट करने के बाद आप शो में क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सामने जो है जॉब आ जाएगा। तो यहाँ पे जो भी आपको जॉब करना चाहिए उसके लिए आपको सीधा अप्लाई में क्लिक करना है। लेकिन दोस्तों जैसे अप्लाई में क्लिक करेंगे, यहाँ पे कुछ और शो करेगा, जैसे कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अलावा इसमें आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, ठीक है, ये आपको पढ़ना जरूरी है। यदि आप सीरियस है जॉब के लिए तो ये आपको पढ़ना जरूरी है, तब आप समझ पाएंगे कि ये जॉब आपके लिए कितना आसान रहेगा या आपको प्रेशर है। दोस्तों वर्क प्रेशर के बारे में बता दूँ तो रिलायंस में और प्रेशर जो है ऑब्वियसली होता ही है, हर इंश्योरेंस कंपनी में होता है। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत और प्रेशर तो रहेगा ही, आपको तो झेलना पड़ेगा ही दोस्तों, काम करने पर हर कोई कंपनी में तो थोड़ा बहुत होता ही है। यहाँ पे कुछ मेंशन किया हुआ है एक्सटर्नल सोर्सेज, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन और एज की क्या ज़रूरत है, ग्रेजुएट और उससे ज़्यादा है तो चलेगा। एज आपको 28 ईयर्स से अधिक होना चाहिए। डोमेन एक्सपीरियंस एटलीस्ट 5 ईयर्स यहाँ पे मेंशन ही है। डोमेन एक्सपीरियंस मीन्स यदि लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही आपको कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस जो है यहाँ पे मेंशन है, 3-4 साल है तो भी चलेगा। जो मैंने जो सिलेक्ट किया था जॉब रोल उसके हिसाब से यहाँ पे बता रहा, ठीक है। और यहाँ पे एजेंसी सेल्स एक्सपीरियंस में यदि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बिल्कुल आप कर सकते। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका अपलोड, आपका रेज्यूमे वगैरह सब कुछ अपलोड करना है, नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, करंट लोकेशंस यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, टोटल एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद कंपनी, जो पिछला कंपनी है कितना सैलरी दे रहा है, जॉब कोड, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको जॉब कोड आ जाएगा जो आप जॉब कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रेज्यूमे अपलोड करेंगे, उसके बाद ये कैप्चा जो है यहाँ पे मेंशन करके सबमिट करना होगा। और एक दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। देखो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।